गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज सुबह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी जोड़ी एक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, आई होप आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज़ करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं गिल्ट, बियॉन्ड इल्यूजन, अबंडेंस एंड अलोनेस। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपका पर्सन आपके साथ में ना बहुत खुशी और ज़िंदगी को एक ऐसे जज्बे के साथ जीने का सोचता है जहाँ पर इस पर्सन की लाइफ आपके साथ में एडवेंचरस से भरी हुई हो। ये पर्सन आपके साथ में बहुत सारे सपने देख चुके हैं और उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं। इस बात का गिल्ट इस पर्सन के मन में आज सुबह भी है। तो इस पर्सन ने जो कुछ भी सोचा था आपके इनके रिलेशनशिप को लेकर, ये वो कर नहीं पाए हैं और इसी बात का गिल्ट इनको आज सुबह भी हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी गिल्ट में है और इस पर्सन के समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से अपने और आपके सपनों को पूरा करें, क्योंकि ये पर्सन चाहता है, इस पर्सन की ख्वाहिश है ये कि ये आपके हर सपने को पूरा करें, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरें। कभी कभी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अलावा इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस पर्सन को समझ सके और इनके जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में इस पर्सन की हेल्प कर सके। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो आप ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में ज़रूर है जिसकी वजह से इस पर्सन को दुख भी है। ये पर्सन आपके साथ में तो अबंडेंस फील करते हैं, बट हाँ, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में है उसको सोचकर ही ये पर्सन काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कभी भी जब इस पर्सन की ऊपर ना कोई भी मुश्किल वक्त आता है, कोई इस पर्सन का साथ देने वाला नहीं होता। आप हमेशा ही इस पर्सन के साथ खड़े रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे खुशी हो। बट हाँ, यहाँ पर इस पर्सन के जीवन में आपके सिवा कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जिससे ये अपना दुख शेयर कर सकें। इस बात का दुख भी इस पर्सन को है और आपके सपने ना पूरा कर पाने का जो गिल्ट है इस पर्सन को, वो भी यहाँ पर आज सुबह नज़र आ रहा है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है, ट्रू है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ तो इस पर्सन की ज़िंदगी जैसे कि खुशियों से भरी हुई है। बट हाँ, ये अकेलापन भी इस पर्सन के मन में है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी दुख दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस पर्सन की लाइफ में जो इसके दुख का कारण बनी हुई हैं। तो इस पर्सन के जीवन में जो भी दुख है ना, वो किसी अदर पर्सन की वजह से है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन इस पर्सन की लाइफ में है जो इस पर्सन को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। इस पर्सन का विद्रोही हो सकता है, इस पर्सन के करियर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसी की वजह से हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जॉब और करियर के बीच में कोई ना कोई ऐसी रुकावट तो है जो शायद इस पर्सन को आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है जो इस पर्सन के खिलाफ बोलता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी अकेला पड़ गया है और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये अपने करियर को किस तरह से बैलेंस करे और आपकी हर उस खुशी को पूरा करे जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी उन हर सारी ही ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है ये पर्सन और आज सुबह इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन चाहता है कि इसके रास्ते में जो भी कांटे हैं ना, ये उन्हें चुन चुन कर एक तरफ डाल दें और जो भी इस पर्सन के रास्ते में फूल आ रहे हैं ये आपके कदमों में बिछा दें ताकि आपको कोई भी कांटा ना चुभ सके। तो ये पर्सन आपके दुख को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है, चाहे इस पर्सन को कितने भी दुख क्यों ना हो, बट ये पर्सन आपको हमेशा ही खुश देखना चाहते हैं, आपके होठों पर स्माइल देखना चाहते हैं और आज सुबह भी ये पर्सन इसी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर हस्बैंड वाइफ भी हैं ना, तो भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके सारे गम ये खुद ले लेना चाहते हैं और आपको अपने हिस्से की भी खुशियां आप दे देना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग और आज सुबह आपका पर्सन आपके बारे में यही सब सोच रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन और ट्रू हैं। इस पर्सन को तो यही लगता है कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में अबंडेंस लाते हैं और ये अकेलापन दूर करते हैं।
ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रेटिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। लव यू ऑल।